जी ने कहा ना कि भीख मांग के आजादी मिली, तो ये भीख नहीं। लेकिन क्या कीजिएगा, बहन बहन होती है। हम अपने पैसा से अपनी बहन को हम जरूर रांची ले जाएंगे। बिजली का सबसे प्रिय बहन कंगना रानी। जो राष्ट्र, जो भी मतलब स्वतंत्रता संग्राम को, जो आजादी की लड़ाई में जो वाक्य दिए गए थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो क्या थे, वाक्य थे, उन्हें आज भी हमें सजा के रखना है। जैसे कंगना जी ने कहा ना कि भीख मांग के आजादी मिली, तो ये भीख नहीं मांगा गया था, इंकलाब जिंदाबाद, ये भीख का नारा नहीं है। भीख ऐसे नहीं मांगा जाता है, उनको कौन समझाया हमारी दीदी को। लेकिन क्या कीजिएगा, बहन बहन होती है। अब हमारी बहन 12वीं फेल है तो हम क्या करें, आदमी उसको फेंक थोड़े सकता है। कभी टाइम मिलेगा, हम अपने पैसा से अपनी बहन को हम जरूर रांची ले जाएंगे, बिजली का शॉर्ट मरवन समझ गए कांके हॉस्पिटल में, रांची में। अब भाई आप सबको पता है हमारी सारी बहनों में सबसे प्रिय बहन कंगना रानी। आप लोग भी इस चीज को समझिए बाबू, जब आप कानूनी चीजों से बचिए, समझ गए। हम कंगना को कुछ भी बोलते हैं लेकिन उसको बहन बोलते हैं, क्योंकि पगली का कोई ठीक नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि बहन, भाई बहन में तो कोई पगली बोली हो सकता है, भाई बहन का प्रेम है ये। नहीं समझे यार, कानून पाई करो कानून। भाई बहन में तो ये चलता ही चलता है कि नहीं। यहाँ पर तो हमारी सारी बहनों में सबसे प्रिय बहन कौन है, आप लोग से भी ज्यादा वैल्यू किसका है, कंगना। पागल है। आगे समझते तो इकारा की, सर आपकी बहन का दिमाग ठीक नहीं। अरे भाई तो अब तो तुम बताओ हम क्या करें, बहन बहन होती है। लेकिन बेचारी जिस दिन हम उसको वीडियो बनाए थे ना मई में, उसके अगले दिन उसका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया। आगे देखे किंग जोंग। अरे यार हम तो देखिए हर भाई अपने बहन के लिए एक रिश्ता ढूंढना चाहता है, तो हम उसके लिए किंग जोंग को ढूंढे। आप लोग के लिए पता ऐसा ही नहीं है, भागना बहुत खतरनाक होगा। बहुत खतरनाक होगा।